Hi guys, welcome back to my channel. My name is Komal and if you are new to the channel guys, please consider subscribing. So let's start today's video without any delay. So guys, जैसा आपने thumbnail में देखा, आज जिस video के बारे में हम बात करेंगे वो है how to choose the best college for you. So guys, part one for this video is research on cost. Yes, बहुत सारे students हैं, including me, जब मैं कॉलेज में आई थी, St. Clair कॉलेज में in Canada. तो मैंने कॉस्ट को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल रिसर्च ही नहीं करी कि इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए बाकी सारे कॉलेजेस में कितनी फीस है, मेरे कॉलेज में कितनी फीस है एंड अगर मैं इस कॉलेज से कर रही हूँ तो बेनिफिट है कि नहीं एंड हम ये चीज़ कंसिडर नहीं करें. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट टू ऑफ द वीडियो विच इज वॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ योर कोर्स स्टूडेंट इन द स्पेसिफिक कॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, आप हम्बल कॉलेज में जा रहे हैं, कोई भी डिग्री लेके, लेट्स टेक द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मेरे दिमाग में अभी वही आएगा बिकॉज मैंने वो खुद करी है. सो फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट को चूज करके आप हम्बल कॉलेज में आ रहे हैं एंड आप वहाँ की पॉपुलेशन चेक करो कितनी है एंड चेक करो कि वॉट इज़ योर पर्सनैलिटी ट्रेट. आपको ज़्यादा क्राउडेड कॉलेजेस पसंद है या आपको पसंद है कि क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं हो बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट, ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पे बहुत होते हैं, प्रेजेंटेशंस बहुत होती हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपना स्कोर कम करें ड्यू टू आपने रिसर्च नहीं करी थी पहले. ओके गाइस, सो लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज रिसर्च ऑन स्टूडेंट लाइफ एंड ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना पहले दो पार्ट्स थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का मतलब है जहाँ पर आप दो साल या कुछ लोग वन ईयर का भी कोर्स लेकर आते हैं, दो साल या एक साल निकालने वाले हैं एंड ये कोई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन नहीं है, राइट? इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, वन ईयर, टू ईयर्स, एक ये आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है. तो आप सर्च करके आइए, रिसर्च करके आइए कि स्टूडेंट लाइफ कैसे रहने वाली है. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट फोर विच इज रिसर्च ऑन योर मेजर्स. आर योर मेजर्स अवेलेबल इन योर इन दैट कॉलेज, इन दैट यूनिवर्सिटी और नॉट? एंड प्लीज 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 डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कोर्स, ऑन योर सब्जेक्ट्स. अगर आप साइकोलॉजी में मेजर्स करना चाहते हैं एंड आप देखते हैं कि उस कॉलेज लिस्ट में तो साइकोलॉजी मेजर्स का सब्जेक्ट ही नहीं है या फिर इकोनॉमिक्स मेजर का सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं फिर भी इस कॉलेज में एडमिशन, एटलीस्ट कैनेडा में तो लैंड हो ही जाएंगे एंड वहाँ पर जाके चेंज कर लेंगे आप वट एवर जो भी आप सोचते हैं. गाइज, नो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. आई कैन नॉट स्ट्रेस अप मोर ऑन दिस थिंग कि आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें अपने मेजर्स के साथ, अपने सब्जेक्ट्स के साथ. जो आपको करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वही करें. अगर उस कॉलेज में नहीं है तो प्लीज़ चूज अनदर कॉलेज. ओके गाइज, सो लेट्स कम टू द पार्ट फाइव ऑफ द वीडियो विच इज रिसर्च ऑन रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेजेस. एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यार ये तो कितनी बायस्ड है, मतलब जो टॉप रैंक कॉलेज से पढ़ा है उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी. ऐसा नहीं है. मैं रैंकिंग पे रिसर्च करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि हर स्टूडेंट की प्रोफाइल अलग होती है. कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में उनके मार्क्स होते हैं, बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, ओवरऑल परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं होती है, बट दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना कॉलेज चूज करें. अगर आपकी लो ग्रेड्स हैं एंड आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपकी लो ग्रेड्स हैं दैट मीन्स कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज की एलिजिबिलिटी को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी ही 75% से स्टार्ट होती है. तो आपको एक लो ग्रेड कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, राइट? बट उस लो ग्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करो कि लो ग्रेड कॉलेजेस में भी ऐसा कॉलेज कौन सा है जहाँ पे मैं अपनी स्किल डेवलप कर पाऊँ, जहाँ पे मैं अपने आप को और बेटर अपॉर्चुनिटी से मिलवा पाऊँ. एंड आपके अच्छे ग्रेड्स हैं बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप हायर रैंक कॉलेजेस में जा सकते हो क्योंकि आप एलिजिबिलिटी को क्रैक कर सकते हो, राइट? सो लेट्स कम टू द पार्ट सिक्स एंड पार्ट सिक्स ऑफ द वीडियो इज रिसर्च ऑन लोकेशन. अगर आप कैनेडा में पढ़ने आ रहे हैं तो इस वाले पार्ट को तो मुझे फर्स्ट पे रखना चाहिए था, बट इट्स ओके, सिक्स पे रखते हैं. सो गाइस, लोकेशन डेफिनेटली, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपको फीस निकालनी है, तो आप लोकेशन पहले से ही ऐसी चूज करके आओ जहाँ पे आपको इजीली काम मिल जाए. बाद में आकर ऐसा नहीं सोचना है कि वहाँ पे जाके कैंपस चेंज कर लूँगा. इस पर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, यू कैन सी द लिंक. अगर आप ऐसी लोकेशंस पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे कैंपस में ना जाओ, आप ऐसा कैंपस चूज करो जहाँ पे आपको इजीली काम मिल जाएगा. बट गाइज, मैं यहाँ पे एक और चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ कि ठीक है, काम, पार्ट टाइम जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको फीस भी निकालनी होती है, बट एक पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो स्टडी है, राइट? हम पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है,
वो है स्किल्स, सेकंड चीज इंटर्नशिप। जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उसमें हमें इंटर्नशिप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो मैटर हमें को अब उस कोर्स में मिला है हमें नहीं मिला है। तो जैसे आप लैंड होते हैं, जैसे आप अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगी इंडिया से लिंक्डइन का जितना फ़ायदा उठा सकते उठाओ एंड उस कोर्स में अपनी इंटर्नशिप ज़रूर ढूंढो। एंड जहाँ पे इंटर्नशिप मिले ना, ज़्यादा इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हो वो कैंपस चूज़ करो। पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो भी है वो आप बाद में देख लेना, जितना स्ट्रगल अभी टोरंटो में या पार्ट टाइम ढूंढने का उतना ही बाकी सारे रिमोट लोकेशंस पे भी हो रहे, मतलब वही प्रॉब्लम्स अभी रिमोट लोकेशंस पे भी चल रही हैं। सो इंटर्नशिप को लेकर ज़्यादा सोचो। ओके गाइस, आफ्टर ऑल ऑफ दीज रिसर्च एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हमें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए कि कॉलेज चूज़ करना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर यूनिवर्सिटी। एंड नाउ लेट्स कम जो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, तो गाइज अगर आपको कैनेडियन डिग्री ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फोकस है कि कैनेडियन डिग्री होनी चाहिए बस मेरे पास है ना, कि वही ड्रीम है, तो यू कैन गो फॉर यूनिवर्सिटीज़। एंड अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू रियली वॉन्ट टू डू डेटा एनालिटिक्स, यू रियली वॉन्ट टू डू अकाउंटिंग, दैन गो फॉर कॉलेजेस, क्योंकि वो एक आपको ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो उस स्किल में ही एक आपको स्पेशलिस्ट बताएगा। गाइस, सो लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ वेरी स्पेशल एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहती हूँ, आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं, नो मैटर कि वो सिर्फ कैनेडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, लंडन, यूके, वेयर एवर यू आर गोइंग, आप प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर से ही ट्राई करें कि इंटर्नशिप फाइंड आउट करें थ्रू लिंक्डइन, इंडीड या जो भी लोकल पोर्टल है वहाँ का जॉब्स फाइंड करने के लिए। एंड ट्राई करो कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं साथ के साथ कोर्सेरा, यूडेमी में से आप कोई भी सर्टिफिकेशन चूज़ कर लो एंड स्किल्स को डेवलप करो। इंटर्नशिप ज़रूर ज़रूर करो, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपने रिज्यूमे को जितनी ज़्यादा हो सके डेवलप करो स्किल्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। एंड अगर आप ये सब करोगे ना, कोई आपको नहीं रोक सकता एक अच्छी फुल टाइम जॉब लेने। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।